फरुखाबाद में यूपी पुलिस की गुंडई सामने आई है। दरअसल नहरेला गांव की रहने वाली अर्चना देवी ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि 6 मई को उसका पति सत्यभान सिंह अपने बड़े भाई और दो बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान 1 से 2:30 बजे के बीच वापस लौटते समय मंडी चौराहे पर होमगार्ड सर्वेश कुमार, अरविंद कुमार और कांस्टेबल नरेंद्र और सर्वेंद्र कुमार ने उसके पति को रोककर अवैध वसूली की। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने सत्यभान से मारपीट की और जेब के सारे पैसे ले लिए। उसके बड़े भाई की पैट तोड़ दी। पति सत्यभान की गर्दन पर चोट आई। इलाज के लिए 7 मई को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां 19 मई को सत्यभान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेरे पति दावत खान गए थे नगला बाग की, वहां से लौट रहे थे और लौटने के बाद मामदाबाद चौराहे से चढ़े। अब के बाद मैया चीता मोबाइल वाले मिलिए और उन्हें रोको, रोकने के बाद मैया गाली वाली दई और रोक फिर 4 लोग बैठे हैं, तब वे रुकिए और रुकने के बाद गाली वाली देंगे पैसे हैं पैसे, तब उन्हें पैसा निकाले और बाकी बाद हम छीन लें। उन्हें जा कर दी सवेरे साफ से शिकायत करें, 6 मई की बात है रात की 2:30 बजे और सवेरे साफ शिकायत करें। इतने मैया बे जा कर सवेरे बाद में अब तो देख ली अब मात लइए भट्टा के आगे मात लइए दौड़ाओ तो भाई अब बाकी बाद मारो और एक लात मारी अब मोटरसाइकिल में डंडा लगाए दे अब मात रहे अब आके बाद मैया पता नहीं का चीज मारी गद्दन मैया सो गद्दन कटी। जब मेरे बच्चे बिन होश हुई हो बाके बाद में होश आओ तब मेरे लल्ला नैया फोन करो गुलशन नैया कि मम्मी है चली आओ पापा का ऐसी ऐसी बात चीता मोबाइल वाले नैया ऐसे ऐसे मारो आई गो। तब मोहन पहुँचे मोटरसाइकिल तैयार फिर एम्बुलेंस मंगाई 1.25 घंटा बाद आई अब लोहिया लइए लोहिया ले जाए के बाद सेपई के लिए रेफर कर दो और 13 दिन बाद 19 मई खत्म। पति की मौत के बाद पीड़िता अर्चना देवी ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई दिनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती रही। जिले के हर नेता से लेकर जिला अधिकारी एसपी आईजी समेत सभी ने न्याय की गुहार लगाई, मगर किसी ने भी मामले में संज्ञान नहीं लिया। थकारकर पीड़ित महिला लखनऊ सीएम के जनता दरबार में पहुंची, जहां और अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले में 4 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले गए फरकाबाद कोर्ट में यहाँ कचहरी में यहाँ और कप्तान साहब के पास सीओ साहब के पास अब बयान सब जगह लेते रहेगा सह लिए 3-3 4 बार अब बाकी बाद में यहाँ एसपी साहब ने यहाँ 3-4 बार ले अब बाकी बाद में यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई मुकदमा नहीं करो। अब फिर बाकी बाद में आईजी के पास गए कानपुर अब फिर गए नखलऊ जनता दरबार अब पता नहीं होने से भाई कहाँ से भाई एफआईआर लिख गई। नहीं तो कप्तान साहब ने क्या कहा क्या आश्वासन दिया था आपको? शासन जा कह रहे थे कि आज लिखेंगे कल लिखेंगे भगाते रहे 3 महीना तक जा कह रहे आज लिखेंगे कल लिखेंगे तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा आज लिख जाएगा कल लिख जाएगा पता नहीं जा जय कहत रहे रोज में टहलावत रहे पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया। हाँ जाए कह रहे थे जा कह रहे लिखबो मना नहीं कर रहे थे जा नहीं कह रहे हम लिखेंगे नहीं जा कह रहे थे कि हम आज लिखेंगे कल लिखेंगे जा कह रहे थे 3 महीने तक आपको टहलाते ऐसे ही टहलावत रहे। आरोप पुलिस कर्मियों पर लगा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को करीब 3 महीने तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ा। बहरहाल मामला सीएम के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, अब देखना होगा कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।